वाला है बस। अपना डाटा तो पढ़ा ही होगा। मैंने सोचा कि कुछ उबड़ धाबड़ कर लेती हूँ, जाती हूँ थोड़ा यूनिक वड़ा पाव खा के आती हूँ, देखती हूँ कि उसके टेस्ट और हमारे लोकल वड़ा पाव के टेस्ट सेम होते हैं या नहीं। सो लेट्स गो एंड सी। भाई आज मैं और मेरी बहन इतने खूबसूरत दिख रहे हैं कि ऑटो वाला क्या टैक्सी वाला भी मना कर रहे हैं। मतलब जो कैसे हो रहा है ना कि जो ऑटो वाले रेडी है आने के लिए उनके पास गूगल पे नहीं है, और जिनके पास गूगल पे है उनको जाना नहीं है। करो क्या मैं शूट नहीं करूँ क्या? फाइनली हमें एक ऑटो मिल गई है। इसके पास तो सो गूगल बन के जा रहे हैं बट ऑटो से जा रहे हैं, इसे बोलते हैं रिस्क। गाइस वी आर फाइनली एट दी फर्स्ट लोकेशन विच इज सोडा बॉटल ओपनर वाला। लेट्स सी, आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं बहुत सारे पैसे खर्च करने वाली हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड। वी आर ट्राइंग वड़ा पाव हियर। द वेटर बिहाइंड मी इज सो फनी, उसे इतनी हंसी आ रही है सुन के कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ वड़ा पाव खाने आए हैं। क्या मस्त हंसा है वो ये सुन के जब मैंने बोला कि मैं मुझे वड़ा पाव खाना है। बहुत बड़ा है वो, एंड दे ऑल्सो गेव अस मिर्ची विच इज लाइक गुड थिंग। धनिया पाउडर नहीं है और सुबह लहसुन एंड गार्लिक का टेस्ट नहीं है। गार्लिक का टेस्ट नहीं है, गार्लिक है इसमें, गार्लिक मेट अस लेवर जी जी। गाइस तुम लोगों ने कभी ओपन वड़ा पाव देखा है? आ जाओ दिखा दूँगी ओपन वड़ा पाव। आई फील वड़ा में ना कोई स्पाइसी नहीं है, कोई टेस्टी नहीं है, इट्स जस्ट अ ग्रीन चटनी जिसका थोड़ा स्पाइसीनेस फील हो रहा है। ये तो वड़ा तो एकदम ऐसे कुछ अजीब ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बटाटे को सिर्फ बॉईल किया है और उसको बेसन में डाल के वड़ा बना दिया। हम फाइनली उस जगह से निकल गए हैं जहाँ पर मैंने 200 रुपया भर के आई हूँ दो वड़ा पाव के लिए। रिग्रेट हो रहा है कि यार 200 रुपये में मस्त मैकडॉनल्ड्स का एक मील खा लेती। तो ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हो ना ओवर एक्टिंग खाना ही मिलता है आपको। थैंक यू मेकअप दादा। क्या गाइस आई फील आज का व्लॉग 2 महीने बाद आ सकता है क्योंकि ऑटो अभी भी नहीं मिल रही है हमें सेकेंड लोकेशन पर जाने के लिए। मतलब इतनी सुंदर लड़कियाँ घर से बाहर निकलती है, कोई फायदा ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है यार। जस्ट ऑर्डर दी नॉट सो वड़ा पाव फ्रॉम 145 बैंड्रा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेस्ट दैट एंड आई शो यू दी एम्बियंस नाउ। आर यू एक्साइटेड टू ईट नॉट सो वड़ा पाव? अच्छा इसके साथ ना अगर एक मिर्ची देते ना बाप लगता बाप। सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ। हाउ वाज इट शिवानी? मस्त था। लास्ट टाइम सोडा बॉटल ओपनर वाले सब बहुत सही था। और ये हम 265 रुपीस का वड़ा पाव खाते हुए। ओ शिट, ये देखो कैमरा ने कैमरा को ब्लॉक कर दिया। अब हम लास्ट लोकेशन के लिए जा रहे हैं और वी हैव शॉप्ड अ लॉट फ्रॉम बैंड्रा बट वही अगेन ऑटोस नहीं मिल रहे हैं। लेट्स सी, ऑटो कार तो डायरेक्शन बताती हूँ भाई सीधा। एक भी ऑटो खाली नहीं मिल रहा है, टैक्सी वाले भी मना कर रहे हैं। ये देखो लाड साहब। तो भैया कार तुम लोगों ने लाइव प्रूफ दिया है मैंने तुम लोगों को। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं स्क्रिप्ट बना रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, बट देख लिया ना मामा। ए बुलेट वाला कितना आवाज कर रहा है, खबड़ा बड़ा 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 बड़ा। सो गाइस इट्स बीन एन आवर, हम लोग कब से थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं टू गेट अनदर यूनिक वड़ा पाव बट हमें मिल ही नहीं रहा है। सब लोग सब कुछ वो नॉर्मल ही है लाइक जो वट एवर वी चीज़ एंड ग्रिल वड़ा पाव विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल। तो अभी
फाइनली सोशल्स में हम जा रहे हैं, सोशल्स ट्राई कर रहे हो, फुल वहाँ पे हो यार गाइस, यहाँ पे बहुत काफी ज्यादा आवाज है सोशल्स में क्योंकि आज एक कौन सा तो इवेंट है, बट आई हैव ऑर्डर्ड वड़ा पाव बाव, सो लेट्स सी वो कैसा होगा। वड़ा पाव बाव बहुत ज्यादा सॉल्टी है। सो गाइस 289 का बिल करते हुए और एक बाव वड़ा पाव पे पैसा वेस्ट करते हुए हम निकल गए हैं उस शोर शराबे के जगह से। वहां पे कोई इवेंट चल रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू व्लॉग इट प्रॉपरली, बट क्या कुछ भी था वो, व्हाट वाज दैट, लाइक बाव वड़ा पाव कुछ नहीं था वो, वड़ा तो था ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें था जो मैकालू टिक्की होती है ना, जो बर्गर में पैटी होती है वो डाला था पाव के अंदर, और बस जो चटनी होती है वो डाला था, बीच में एक बड़ा मिर्ची, ब्रो बीच में अचानक से इतना स्पाइस लग गया ना मेरे को, मैंने ऊपर करके देखा उसमें इतना बड़ा मिर्ची रखा है, कुछ भी क्रिएशन था कुछ भी। ट्राई किया 689 रुपीस का वड़ा पाव, जो सबसे बड़ा ही गंदा सा और फ्लॉप सा वड़ा पाव था, उसमें से सिर्फ एक ही अच्छा निकला था जो था कि वो नॉट सो वड़ा पाव, बट मतलब मजा आया खा के मेरे को, वैसे आज पूरा दिन बस वड़ा पाव खा के पागल हो गए हम लोग। मत करना ये सब ट्राई, गपचुप से जाके 15-20 रुपए का वड़ा पाव खा लेना अपने स्टॉल से, सबसे बेस्ट होता है। आई फील आज के व्लॉग में हमने सिर्फ यूनिक वड़ा पाव से ट्राई नहीं किए, बट हमने यूनिक ऑटो राइडर्स को भी एक्सपीरियंस किया है आज। आई होप तुम लोग सबको ये व्लॉग बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग लगा हो, नहीं लगा हो तो भी लगा के लेना, सब्सक्राइब करके लेना, लाइक शेयर कमेंट भी कर लेना, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब